10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार के द्वारा अब सीए को एक कानून के रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया है, आज से कैसे देखेंगे? 10 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव आने के मात्र कुछ दिन पहले सीए को कानून के तौर पे लाया जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें पता है कि उनको चुनाव से पहले आज देश की जनता को कुछ कहने के लिए नहीं। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है। आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है। आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए, ये तो मोदी जी ने 10 साल से किया नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों से अल्पसंख्यकों को भारत लेके आइए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत के लोग तो वोट नहीं देंगे उन्हें, तो और लोगों को भारत की नागरिकता दिलवाइए। मैं फिर से कह रही हूं, सीए का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि पहले मोदी जी हमारे देश के लोगों का ध्यान रखें, उन्हें महंगाई से निजात दिलाएं, बेरोजगारी से निजात दिलाएं। 2019 के जब चुनाव हुए तो हमने मैनिफेस्टो इसको रखा और हम इसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले क्या मंशा है सरकार की? देखिए, उनके तो मैनिफेस्टो में ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उनके मैनिफेस्टो में ये भी था कि महंगाई से निजात दिलाएंगे। आपको याद होगा उनका तो स्लोगन था, बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार। अब देखिए, गैस का सिलेंडर 300 रुपए का था, 1200 रुपए का हो गया। डीजल 45 रुपए का था, 90 रुपए का हो गया। पेट्रोल 75 रुपए लीटर होता था, आज 100 रुपए लीटर पहुंच गया। तो महंगाई की तो दरें बढ़ती जा रही हैं, बेरोजगारी की दरें बढ़ती जा रही हैं। तो मोदी जी पहले इस देश के लोगों के बारे में तो सोचें, अब इस देश के लोगों से किए गए वादों को पूरा करें, उसके बाद पड़ोसी राज्यों से आए हुए लोगों के बारे में सोचें।